एवरीबॉडी, वेलकम टू साइमन सेज। पिछले दो हफ्ते से internet.com पर एनिमल की बहुत चर्चा हो रही है, बहुत पोलराइजिंग टॉपिक है। सम पीपल लव इट, सम पीपल हेट इट, बट आई हैव टू एडमिट वन थिंग, सॉरी ध्रुव राठी, लेकिन एनिमल के जो मीम्स है, दे आर माय फेवरेट मीम्स। तो इसीलिए आज हम एनिमल मीम रिव्यू करेंगे। आई मीन इफ यू नोटिस, इस साल हमने एनिमल से रिलेटेड बहुत सारे मीम्स देखे, लेकिन रिसेंटली ये जो शेर वाले मीम्स ट्रेंड हो रहे थे, दे वर माय फेवरेट। शेर आज मजाक मस्ती के मूड में है। सही बात है, लाइफ में जो भी हो मौज मस्ती नहीं रुकनी चाहिए। इंकी पिंकी पंकी, डैडी बॉट डंकी। शेर अकेले बैठ के अपनी ही बातों पे हंसता है, पागल हो चुका है शेर। वाओ, शेर इज लिटरली मी। कोई बात नहीं शेर, अकेले बैठ के रोने से तो अच्छा ही है। नेक्स्ट। शेर अकेला काफी है। शेर काफी अकेला है। डोंट वरी शेर, शेर काफी अकेला है तो क्या हुआ, शेर का केला काफी है। साले तेरे चांटे बजाऊंगा ना तेरे। इंग्लिश वाली मैम ने डांटा। ओहो, बॉयज का लाइफ में पहला हार्ट ब्रेक जब इंग्लिश वाली मैम डांटती है तब होता है। मम्मी ने डांटा। इट्स ओके शेर बेटा, मम्मी जो भी बोलती है अपने अच्छे के लिए बोलती है, ठीक है, ऐसे बुरा नहीं मानते। ठीक है, जो लोग खुद को शेर समझते हैं वो लोग इस बात का जवाब देना सीख ले कि उनकी माँ गई थी शेर के पास या शेर आया था उनकी माँ के पास। ये जोकर जो करना है वो कर, लेकिन माँ पे मत जा, समझा ना। तेरी माँ क्या सर्कस में थी क्या, हा? जो तू जोकर बन के घूम रहा है, हा? कि सर्कस तेरी माँ में था, लोग टिकट लेके आते थे, हा? बोल। तेरी माँ क्या सर्कस में थी क्या, हा? जो तू जोकर बन के घूम रहा है, हा? कि सर्कस तेरी माँ में था, लोग टिकट लेके आते थे, हा? बोल। फिर सोकर उठा और फिर तुरंत थक गया। ओह माय गॉड, ये तो मेरे साथ भी होता है। दोस्तों, अगर आपके साथ भी ऐसे होता है तो प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। गरम पानी में ठंडा पानी ज्यादा मिक्स हो गया, अब शेर की फट रही है नहाने से। ये जेन्युइन प्रॉब्लम है, ठंड के मौसम में थोड़ा सा भी पानी ऊपर नीचे हो गया ना, गांठी फट जाती है। शेर ने अपने आप को शीशे में देखकर गलती कर दी। एक मिनट, ये शेर नहीं, ये तो वाघ है। पिछले वाले में क्या था, पिछले वाले में भी वाघ ही था। ये क्या है, ये शेर लिखा है तो शेर दिखाओ ना, वाघ क्यों दिखा रहे हो। इनको लगता है मेरे को शेर और वाघ के बीच में डिफरेंस नहीं समझेगा, मैं क्या इधर क्या बैठा हूँ क्या, हाँ? ये क्या है, ये दिस लायन आइडेंटिफाइज एज अ टाइगर, हैं? शीशे में ये देखा उसने। टू बी ऑनेस्ट, आई फाइंड दिस वेरी ऑफेंसिव, क्योंकि मैं वाघ भरे हूँ, मेरे को वाघ और शेर के बीच में का डिफरेंस पता है। माय एंसेस्टर्स यूज्ड टू डू दिस फॉर अ लिविंग, हम वाघ भरते थे, ठीक है। मैं एक बंदर हूँ और बंदर की कोई लव स्टोरी नहीं होती। अरे लेकिन ये बंदर नहीं है, ये ओके, बस हो गया। अब इससे ज्यादा शिट पोस्टिंग मेरे मानसिक संतुलन के लिए हानिकारक होगी। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द मेन रीजन व्हाई यू क्लिक्ड ऑन दिस वीडियो। नाउ आई नो ये वीडियो थोड़ा लेट है, बट आई वाज वेटिंग फॉर एवरीबॉडी टू सी इट। अब तक तो एनिमल्स अभी ने देख ही ली होगी। इस मूवी की इतनी हाइप थी कि मैंने आधी मूवी तो इंस्टाग्राम स्टोरीज पर ही देख ली, फिर मैंने पूरी मूवी जाकर सिनेमा हॉल में देखी, एंड इट वॉज डेफिनेटली वन ऑफ द मूवीज ऑफ ऑल टाइम। पूरा 4 घंटे के लिए पॉपकॉर्न लेके रखा है। अपनाओ विस्प चॉइस अल्ट्रा एक्सेल, ये है ज्यादा लंबा, सोखे 4 गुना ज्यादा और दे 100% तक दाग से सुरक्षा। एड्स और इंटरवल मिला के आई थिंक मैं 4 घंटा अंदर था। जब तक मैं थिएटर से बाहर आया मुझे लगा कि GTA 6 रिलीज हो गया होगा। माय फेवरेट मोमेंट फ्रॉम एनिमल इज एट द एंड ऑफ द मूवी, जब रणबीर कपूर का ट्रांसफॉर्मेशन पूरा हो जाता है एंड ही फाइनली कन्वर्ट्स इनटू एन एनिमल और फिर वो अपने पापा को खा जाता है। दैट इज माय फेवरेट मोमेंट। एनीवे, मैंने मूवी देखने के बाद इंस्टाग्राम पर एक मीम शेयर किया। नाउ आई थॉट दिस वाज फनी, इसलिए मैंने ये शेयर किया, लेकिन इस पर मुझे कुछ ज्यादा ही एंगेजमेंट मिला। संदीप रेड्डी वांगा के फैन बॉयज, और एज आई वुड लाइक टू कॉल देम वांगा बॉयज, इस स्टोरी से बहुत ऑफेंड हो गए। इस जोक से वांगा बॉयज का अल्फा मेल ईगो हर्ट हो गया। Now I
एवरीबॉडी नोज कि एनिमल इज अ वेरी कंट्रोवर्शियल मूवी। अब तक तो सारे यूट्यूबर्स ने इस टॉपिक पर अपना ओपिनियन दे दिया है। कुछ लोग इस फिल्म को परफेक्ट बोल रहे, सिनेमा बुला रहे। इट्स अ परफेक्ट मूवी यार। मैंने आज तक किसी भी इंडियन मूवी को देखकर इतना मूव फील नहीं किया जो मैंने आज एनिमल मूवी को देखने के बाद महसूस किया। वांगा डिजर्व्स द रिस्पेक्ट। वांगा ने सच में खुद को 10 टाइम्स एलिवेट किया है। प्योर सिनेमा था भाई, ये एक अचीवमेंट है इंडियन सिनेमा में। लेकिन ध्रुव राठी ने तो अपने वीडियो में एनिमल अब्यूज कर दिया। मेरा मानना है कि ये एक ऐसा क्रिंज फेस्ट है जो हमारे समाज के लिए कैंसर है। Now see, everybody has the right to their wrong opinions, okay? And now it's time for me to give the correct opinion. Movie में हमारा protagonist रणबीर कपूर का character रणविजय एक one-sided lover होता है, लेकिन किसी लड़की की जगह पापा को डाल दिया है। पापा का character अनिल कपूर ने play किया है और रणविजय के अंकल का character शक्ति कपूर play करते जो मूवी में उसकी माँ की कमी पूरी करते हैं। नहीं नहीं, उसकी माँ जिंदा है, माँ मूवी में भी है, लेकिन एक बाप बेटे की कहानी में माँ की क्या जरूरत। माँ की जो एक्ट्रेस है, अगर उसको इंटरवल के बाद रिकास्ट भी कर देते ना तो भी कोई नोटिस नहीं करता, इतना इररिलेवेंट था उसका कैरेक्टर। एनीवे, फिर एक दिन रणविजय के पापा पर अननोन गनमैन अटैक करते और फिर रणविजय रिवेंज लेने निकल पड़ता है। इस रिवेंज में हेल्प के लिए रणविजय पंजाब में जाकर अपने कजन से मदद मांगता है। नहीं, वो उनको फाइट में मदद के लिए नहीं पूछता। एक्चुअली क्या है ना, रणविजय को फाइटिंग करते वक्त बैकग्राउंड में म्यूजिक चाहिए रहता है, तो वो उनको पंजाब से खास बैकग्राउंड में गाना गवाने के लिए लेके आता है। बाकी रणविजय 400 लोगों को अकेले ही मार देता है। रणविजय के फैमिली ने पंजाब में अपने कजन्स को 20 साल घोष्ट किया था, लेकिन उसके कजन्स रणविजय के साथ जाने के लिए तुरंत मान जाते हैं, एज इफ वो उनको स्कॉटलैंड नहीं कनाडा लेके जा रहा है। इस मूवी में मैस्कुलिनिटी पर बहुत फोकस है, लेकिन इस मूवी का क्लाइमैक्स फाइट सीन इज द मोस्ट होमोसेक्सुअल सीन आई एवर सीन। रणविजय और जोया से ज्यादा सेक्सुअल टेंशन तो रणविजय और अबरार के बीच में था। और उतना ही नहीं, बॉबी देओल और रणबीर कपूर शर्टलेस है और बॉबी देओल अपने पैंट का जिप खोलकर उसको मुंह में लेने का इशारा करता है। मतलब इस मूवी का क्लाइमैक्स फाइट सीन में कभी घर पे नहीं देख सकता, आई एम सॉरी। आई वुड रादर स्विच टू गे पॉर्न, अगर किसी ने पकड़ लिया तो इट वुड बी ईजियर टू एक्सप्लेन। और बस 2 दिन पहले बॉबी देओल ने ये रिवील किया कि उसने क्लाइमैक्स फाइट सीन में रणबीर कपूर को किस किया था। संदीप रेड्डी वांगा ने बॉबी देओल और रणबीर कपूर का किसिंग सीन शूट किया और फिर उसका क्या किया, क्या मोबाइल में सेव किया क्या? अकेले अकेले हा? अब तो मुझे भी ये सीन देखना है। हैशटैग रिलीज द वांगा कट। मैं वही सोचूं कि संदीप रेड्डी वांगा के कैरेक्टर्स इतने हाइपर मैस्कुलिन क्यों होते हैं। नाउ इट ऑल मेक सेंस। डोंट वरी संदीप सर, इट्स 2023, वी आर ऑल ओपन माइंडेड। एनीवे, मूविंग ऑन, वी ऑल शुड थैंक संदीप रेड्डी वांगा फॉर इन्वेंटिंग वायलेंस। इट विल बी मोर बिकॉज़ दीस गाइस आर कॉलिंग दिस फिल्म एज अ वायलेंट फिल्म। आई वांट टू टेल देम, आई विल शो देम व्हाट वायलेंट फिल्म विल बी। थैंक यू संदीप सर, लेकिन अगली मूवी में प्लीज शो अस व्हाट अ गुड स्टोरी इज। बट ठीक है, एक चीज एडमिट करूंगा कि इस मूवी में एक बहुत अच्छा प्लॉट ट्विस्ट था। बॉबी देओल का जो कैरेक्टर है इस मूवी में, ही इज म्यूट, विच वॉज अ वेरी गुड ट्विस्ट, क्योंकि नॉर्मली संदीप रेड्डी वांगा के मूवीज में फीमेल कैरेक्टर्स म्यूट होते हैं। लोग कहते हैं कि एनिमल माइसोजिनिस्टिक है। एक ऐसा डायरेक्टर जिसने रिग्रेसिव और माइसोजिनिस्टिक फिल्म बनाई है, कबीर सिंह जैसी। क्या, हाउ डू प्रोनाउंस दिस वर्ड? मिसोजिनी। मिसोजिनी एंड मिसोजिनिस्टिक, राइट? राइट। ओके, मिसोजिनिस्टिक। जिसने रिग्रेसिव और माइसोजिनिस्टिक फिल्म बनाई है, कबीर सिंह जैसी। मिसोजिनिस्ट ये कैरेक्टर कह रहे हैं। कैसे मिसोजिनिस्ट है भाई, बताओ तो सही, कोई लॉजिकल आर्गुमेंट तो दो, कैसे मिसोजिनिस्ट है? सही बात है, कहां थी मिसोजिनी? हाँ, रणविजय सिंह चीट करता है, अपनी बीवी को चोक करता है, उस पे बंदूक एम करता है, लेकिन अगले सीन में वो किस भी तो करते हैं ना। इसी को सच्चा प्यार बोलते हैं यार, दिस इज ट्रू लव। इनफैक्ट एवरीबॉडी शुड एस्पायर टू बी लाइक रणविजय। आई थिंक ही इज डीपली इन लव विद हिज वाइफ गीतांजलि। वो गीतांजलि को बहुत दिल से प्यार करता है। And that kind of love is something which I aspire also in my life. अब मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसी टाइप की मूवी बननी ही नहीं चाहिए, हर टाइप की मूवी बननी चाहिए। In fact, a part of me actually liked this movie. इस मूवी का बैकग्राउंड म्यूजिक और एक्टिंग बहुत अच्छा है। एंड पर्सनली आई हैड नो प्रॉब्लम विद द वायलेंस, मुझे वायलेंस अच्छा लगता है। सॉरी ध्रुव राठी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं रियल लाइफ में भी वायलेंस करूंगा, ओके? लेकिन वायलेंस का कुछ पर्पस होना चाहिए, वायलेंस के साथ कुछ स्टोरी होनी चाहिए जो इस मूवी में नहीं है। मूवी में जबरदस्ती कंट्रोवर्शियल सीन्स डाले जिनका स्टोरी से कोई लेना देना नहीं है। संदीप रेड्डी वांगा के मूवीज को देखकर लगता है कि ही इज नॉट फेमिलियर विद द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस, लेकिन अगर आप रियल लाइफ में ऐसे स्टेटमेंट्स दोगे तो लोग डेफिनेटली आपको रोस्ट करेंगे। When you are deeply in love, there's a lot of honesty in it. If you don't have the liberty of slapping each other,
then I don't see anything there. देखो भाई मैंने ये वीडियो इसलिए बनाया क्योंकि this is what Sandeep Reddy Wanga wanted. इस मूवी को कंट्रोवर्शियल बनाना एक बहुत ही सक्सेसफुल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी था. It is obvious कि he wanted to provoke the critics. और मेरे से बड़ा क्रिटिक और कौन हो सकता है. मैं तो खुद को भी हेट करता हूँ तो ये एनिमल क्या चीज है. मैंने तो इस मूवी को मूवी की तरह ही लिया है. आई होप वांगा बॉयज इस रोस्ट को रोस्ट की तरह लेंगे. ओके दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. बाय द वे गर्ल्स आई एम 5 million सब्सक्राइबर्स ऑन यूट्यूब. आई नो आई वॉज सपोज टू मेक अ सबरेडिट वीडियो लेकिन फिर मुझे कॉन्टेंट मिल गया तो मैंने एनिमल पे वीडियो बना दिया. और अभी IMI अवार्ड्स के लिए भी तैयारी करनी है तो ज्यादा टाइम नहीं है. बट बिकॉज आई हैड प्रॉमिस्ड अ सबरेडिट वीडियो मैं मीम्स पर कुछ डिफॉल्ट रिएक्शंस दे देता हूँ. आज मेरा मूड नहीं है यार. आज मेरा मूड नहीं है. आज मुझे कोई करना ही नहीं है मुझे. मुझे लगा था बढ़ेंगी नहीं. मुझे तो वैसे ही लग रहा है. सुना है उसने साइमन की गोटियों को काटा था. ओके सो हम अभी एनिमल देख के बाहर आए हैं. आदित्य कैसे लगा एनिमल? अच्छी थी बस पापा की याद आ गई. पापा की याद आ रही. पापा के बारे में कुछ नहीं बोलना. पापा के बारे में कुछ नहीं बोलना. मम्मी को बोला चलेगा. पापा के बारे में कुछ नहीं बोलना. ओके 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 ओके.